नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रक जंक्शन के YouTube चैनल पर, जहां ट्रक्स की दुनिया की और नई ट्रक से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी को हम आप तक पहुंचाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं ऐसे दो ट्रेलर के बारे में जिनको तैयार किया गया है उन्नत तकनीकी समाधानों के साथ, जो आपको देता है हाई परफॉर्मेंस और बनाता है इन्हें एक बेहतरीन कमर्शियल व्हीकल। आज हम कम्पेयर करने वाले हैं टाटा सिग्ना 5525 ट्रेलर और आइशर प्रो 6055 ट्रेलर को। इन दोनों में क्या कॉमन देखने को मिलने वाला है और ऐसे कौन से बदलाव हैं जो इसे एक दूसरे से बेहतर बनाता है, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ट्रक से जुड़े वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रक जंक्शन के YouTube चैनल को और प्रेस करें नीचे दिए गए बेल आइकन को। दोस्तों, लुक्स में ये दोनों ही ट्रेलर काफी शानदार दिखाई देते हैं। सामने की तरफ आपको बड़ी सी विंडशील्ड मिल जाती है। ये ट्रेलर फ्रंट और साइड प्रॉक्सिमिटी मिरर के साथ आते हैं जो ब्लाइंड स्पॉट को कवर करते हैं। ORVMs इसमें दिए गए हैं। टाटा सिग्ना 5525 ट्रेलर में आपको जहां दो वाइपर ब्लेड्स मिल जाते हैं, वहीं आइशर प्रो 6055 में आपको तीन वाइपर दिए गए हैं। क्रोम फिनिश के साथ में कंपनी की खूबसूरत बैजिंग और लोगो दोनों ही ट्रेलर में देखने को मिल जाते हैं। मजबूत बम्पर, साथ ही स्टाइलिश हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स आपको इसमें दिए गए हैं। आपको बता दें कि टाटा सिग्ना 5525 ट्रेलर 3-पीस मेटल बम्पर के साथ आता है। फॉग लैम्प्स की सुविधा आपको दोनों ही ट्रेलर में दी गई है। इन दोनों ट्रेलर के वजन पर नजर डालें तो दोस्तों, टाटा सिग्ना 5525 ट्रेलर 51,000 किलोग्राम, 52,000 किलोग्राम, 53,000 किलोग्राम, 54,000 किलोग्राम और 55,000 किलोग्राम के ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट ऑप्शंस के साथ आता है। वहीं आइशर प्रो 6055 में आपको मिल जाता है 55,000 किलोग्राम का ग्रॉस व्हीकल वेट। दोस्तों, बात करें इंजन की तो टाटा सिग्ना 5525 ट्रेलर कमिंस ISBE 6.7 लीटर इंजन के साथ आता है। ये ट्रेलर 250 HP की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 2300 RPM पर। इसमें आपको 950 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है 1000 से 1800 RPM पर। ये ट्रेलर 6700 CC की क्यूबिक क्षमता के साथ आता है। वहीं आइशर प्रो 6055 ट्रेलर के इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है VEDX8 का 6 सिलेंडर इंजन जो 260 HP की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 2200 RPM पर। इसके टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 1000 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क 1000 से 1700 RPM पर। ये दोनों ही ट्रेलर BS6 इंजन नॉर्म के साथ आते हैं। क्लच ट्रांसमिशन की बात करें तो आइशर प्रो 6055 में आपको मिल जाता है 430 mm का क्लच। ये ट्रेलर ET140SN के गियर बॉक्स के साथ आता है, जिसमें आपको 9 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। ये गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। डुअल सर्किट फुल एयर S-कैम ब्रेक्स इसमें दिए गए हैं। वहीं टाटा सिग्ना 5525 ट्रेलर में 430 mm डायपुश टाइप सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन ऑर्गेनिक लाइनिंग क्लच मिल जाता है। ये ट्रेलर टाटा G1150 8 फॉरवर्ड प्लस 1 सेंटर प्लस 1 रिवर्स मैनुअल सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन के साथ आता है। एयर ब्रेक इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, इन दोनों ही ट्रेलर में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है और ये दोनों ही गाड़ी पार्किंग ब्रेक्स के साथ आती है। एक्सेल और सस्पेंशन की बात करें तो टाटा सिग्ना 5525 ट्रेलर में फ्रंट एक्सेल टाटा हेवी ड्यूटी 7T रिवर्स इलियट टाइप का और रियर एक्सेल टाटा सिंगल रिडक्शन RA110 का मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन पैराबोलिक लीफ के साथ और रियर सस्पेंशन सेमी इलेप्टिकल मल्टी लीफ स्प्रिंग के साथ मिल जाता है। वहीं आइशर प्रो 6055 में फ्रंट एक्सेल फोर्ज्ड आई बीम रिवर्स इलियट टाइप और रियर एक्सेल हेवी ड्यूटी फुली फ्लोटिंग सिंगल रिडक्शन के साथ आता है। इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग विद शॉक एब्जॉर्बर के साथ और रियर बेल क्रैंक सस्पेंशन के साथ आता है। ये दोनों ही ट्रेलर स्लीपर कैबिन के साथ आते हैं। आइशर प्रो 6055 में आपको 285 mm बाई 76 mm बाई 7 mm का चेसिस मिल जाता है। वहीं टाटा सिग्ना 5525 ट्रेलर में आपको लैडर टाइप हेवी ड्यूटी चेसिस फ्रेम 285 mm बाई 65 mm बाई 7 mm का मिल जाता है। टायर्स की बात करें तो आइशर प्रो 6055 में आपको फ्रंट और रियर टायर 11R20 और ऑप्शन में 295/90R20 के मिल जाते हैं। वहीं टाटा सिग्ना 5525 ट्रेलर में फ्रंट और रियर टायर 295/90R20 के रेडियल ट्यूब टायर्स दिए गए हैं। फ्यूल टैंक पर नजर डालें तो आइशर प्रो 6055 में 350 लीटर की डीजल फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है जो 50 लीटर के DEF टैंक के साथ आता है। वहीं टाटा सिग्ना 5525 ट्रेलर में आपको मिल जाता है 365 लीटर की कैपेसिटी वाला पॉलीमर डीजल फ्यूल टैंक। व्हील बेस की बात करें तो आइशर प्रो 6055
बनाता है 4050 mm के साथ, वहीं टाटा सिग्ना 5525 एस ट्रेलर में आपको 3320 mm का व्हील बेस ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों इन दोनों ही ट्रेलर में मिलने वाले फीचर्स पर बात करें तो आइशे प्रो 855 में आपको 6-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है जो HVAC के साथ आता है, जो आपको देता है बेटर टेम्परेचर कैबिन में। इसमें आपको मिल जाता है फ्यूल कोचिंग जो रियल टाइम गाइडेंस देता है अपने ड्राइवर को। इसमें मिलता है एम बूस्टर प्लस जो ड्राइवर को अलग अलग मोड में लोड और ढलान में ड्राइव करने की अनुमति देता है और मैक्सिमाइज करता है फ्यूल एफिशिएंसी को। ये आता है एडवांस ऑन बोर्ड सिस्टम फीचर के साथ जो गड़बड़ी इंडिकेट होने पर विजुअल सिग्नल्स, मैसेज और अलार्म के रूप में ड्राइवर को अलर्ट करता है। थकान फ्री ड्राइविंग के लिए इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ये ट्रेलर ड्राइवर प्लस 1 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी के साथ आता है। वहीं टाटा सिग्ना 5525 एस ट्रेलर 4-way एडजस्टेबल मैकेनिकली सस्पेंडेड सीट्स के साथ आता है। इसका न्यू जनरेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है एडवांस ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेल्फ डायग्नोस्टिक सिग्नलिंग, ट्रिप माइलेज इंडिकेटर के साथ। इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक एंटी फ्यूल थेफ्ट का कमाल फीचर जो फ्यूल चोरी को मॉनिटर करता है। ये आता है हिल स्टार्ट असिस्ट सेफ्टी फीचर के साथ। इसका इंजन ब्रेक जो डाउन हिल ऑपरेशन में हायर सेफ्टी प्रदान करता है। इसमें आपको मिल जाते हैं 3-mode फ्यूल इकोनॉमी स्विच, गियर शिफ्ट एडवाइजर, साथ ही न्यू जनरेशन टेलीमैटिक्स के साथ ये ट्रेलर आता है। इसमें आपको ड्राइवर प्लस 2 पैसेंजर की सिटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी टाटा सिग्ना 5525 एस ट्रेलर और आइशे प्रो 855 ट्रेलर के बारे में ओवरऑल जानकारी, जिसको हमने कंपेयर करके बताया। आपको दोनों में से कौन सा ट्रेलर लगा सबसे बेहतर वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ट्रक जंक्शन के साथ जुड़े रहिए।